वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। बातचीत में बार बार पीछे हटने की बात करने वाले चीन के सैनिक गलवान नदी से पीछे हटे हैं, लेकिन उनके टेंट और सामान मौजूद है। कल की सैटेलाइट इमेज से इस बात की पुष्टि हो रही है। चीनी कैंप, हैवी व्हीकल्स और जेसीबी मशीन वहां पर मौजूद है, लेकिन हैरानी यह है कि सारा साजो सामान स्थिर है, कोई मूवमेंट नहीं। यानी भारत के जवाब और सख्त रुख के बाद चीन की हिम्मत नहीं हो रही कि पहले की तरह वो यहाँ पर निर्माण कार्य जारी रखे। सैटेलाइट इमेजेस जो हम आपको दिखा रहे हैं 28 जून 2020 यानी बीते दिन की तस्वीरें, जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि वहां पर सामान तो पड़ा है, लेकिन चीनी सैनिक वहां से पीछे हट गए हैं। भारत चीन के खिलाफ अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन के दो फैसले बेहद अहम हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर के नागरिकों से कम 2 महीने के एलपीजी का स्टॉक रख लेने को कहा है। ये आदेश जम्मू कश्मीर के खाद्य और उपभोक्ता विभाग ने जारी किया है। हालांकि इस आदेश में कहा गया है कि लोगों को लैंडस्लाइड की आशंकाओं को लेकर एलपीजी का स्टॉक रखना चाहिए, लेकिन जैसी तनातनी लद्दाख में है उसके बाद लोगों ने आदेश को लेकर कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। करगिल से सटे गांदरबल की पुलिस ने 16 स्कूल और शैक्षणिक संस्थाओं की बिल्डिंग खाली कराने का आदेश दिया है, जिसमें अर्धसैनिक बल ठहरेंगे। आदेश में अमरनाथ यात्रा का हवाला दिया गया है। 370 अनुच्छेद हटने के पहले और बालाकोट स्ट्राइक्स से पहले भी ऐसे ही आदेश आए थे। तो ये जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, लेकिन जो टाइमिंग है वो लोगों के मन में कई सवाल पैदा कर रही है। लेकिन इस बीच कल मन की बात कार्यक्रम में गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को सख्त संदेश दिया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत मित्रता निभाना चाहता है तो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानता है। दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। साथियों, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।